हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। तो चलिए सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूयॉर्क में ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से मिलेंगे। ईरान पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंध के बीच मोदी और रूहानी के बीच ये मुलाकात है। और इसके अलावा पीएम मोदी आज साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस अनास्तासिदोस और ग्रीस के पीएम कैरिकोस से मिलेंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आज जन्मदिन है। मनमोहन सिंह 87 साल के हो गए हैं। जन्म दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम को बधाई दी है। पीएम मोदी के अलावा देश के कई नेता मनमोहन सिंह को बधाई भी दे रहे हैं। अमेरिका दौरे के बीच ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जन्मदिन की बधाई, में उनकी लंबी और स्वास्थ्य जीवन की कामना करता हूं। गौरतलब है कि देश में आर्थिक सुधारों के सूत्रधार माने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन कार्यक्रम में पाकिस्तान को जमकर धोया। जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान से बातचीत हो या ना हो ये मुद्दा नहीं है, हर कोई अपने पड़ोसी से बात करना चाहता है। मुद्दा ये है कि हम ऐसे देश में कैसे बात करें जो आतंकवाद का संचालन कर रहा है। इसके साथ ही जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान टेररिस्तान है और टेररिस्तान के साथ दोबारा बात नहीं की जा सकती। पाकिस्तान से बात करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन टेररिस्तान से करने में दिक्कत है। जयशंकर ने बताया कि पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए आतंक की इंडस्ट्री खड़ी कर ली है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान में तनाव का मुख्य मुद्दा कश्मीर नहीं बल्कि 26/11 का मुंबई हमला है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आतंकवाद है। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने जम्मू कश्मीर मुद्दे पर कहा कि कश्मीर में सुधार हुआ है और हालात लगातार सुधर भी रहे हैं। बिपिन रावत ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही शांति है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू जैसे कोई हालात नहीं है। बिपिन रावत ने कहा कि घाटी में लोग आजादी से घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से उठाए गए कदम के बाद घाटी में सेना और भी ज्यादा सक्रिय है और सीमा पर होने वाली सभी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने एक बार फिर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सीमा पर से भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो भारतीय सेना कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। जम्मू कश्मीर पर मध्यस्थता को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बयान दिया है। कश्मीर पर मध्यस्थता को लेकर ट्रंप ने कहा कि वो जो कर सकते हैं वो करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात की। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के साथ कश्मीर मुद्दे पर बात की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के नेताओं के साथ कश्मीर पर चर्चा की और मध्यस्थता की पेशकश भी की है। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के संबंध में हमने कश्मीर के बारे में बात की, जो भी मदद कर सकता हूं मैंने पेशकश की, चाहे वो मदद मध्यस्थता ही क्यों ना हो, मैं जो कर सकता हूं वो करूंगा क्योंकि वे बहुत गंभीर मोड़ पर हैं और उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कश्मीर कश्मीर चिल्ला रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान शांति चाह रहा है, और दूसरी ओर इमरान खान आतंकी हाफिज सईद की मदद भी कर रहे हैं। खबर मिली है कि इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र से खूंखार आतंकी हाफिज सईद के खर्चे पाने के लिए बैंक से 1.5 लाख रुपए निकालने की इजाजत मांगी है। पाकिस्तान की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र से गुजारिश की है कि परिवार के खर्चे के लिए हाफिज को 1.5 लाख रुपए बैंक से निकालने की अनुमति दी जाए।
दरअसल संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी हाफिज सईद के खाते सीज कर दिए थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि संयुक्त राष्ट्र ने भी पाकिस्तान की गुजारिश पर हाफिज को अकाउंट से पैसे निकालने की आंशिक मंजूरी भी दे दी है। बता दें कि अमेरिका ने इसके ऊपर $1 करोड़ का इनाम रखा हुआ, लेकिन पाक सरकार के संरक्षण में भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता है। बता दें कि हाफिज 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले, 2006 मुंबई लोकल में हुए सिलसिलेवार धमाके और 2008 में मुंबई पर हुए हमले का मास्टरमाइंड है। ईरान से कच्चा तेल खरीदना चीनी कंपनियों को भारी पड़ गया। अमेरिका ने कई चीनी कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका ने कई चीनी कंपनियों के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाए हैं। कंपनियां अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान से तेल की खरीद कर रही हैं और इस प्रतिबंध के बावजूद ईरान से कच्चा तेल खरीदने से नाराज अमेरिका ने बुधवार को चीन की कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने प्रतिबंध लगाने का ऐलान करते हुए कहा कि अमेरिका ने ऐसी चीनी कंपनियों के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाए हैं जो अमेरिका प्रतिबंधों के बावजूद ईरान के तेल को नहीं खरीद रही थी। महाराष्ट्र के पुणे में भारी बारिश के बाद दीवार गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा पुणे के सहकार नगर में हुआ। सूत्रों के मुताबिक घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। गौरतलब है कि पुणे में बीते दिनों जमकर बारिश हो रही है और बारिश की वजह से पुणे के कातरज सिंगर इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बारिश और सड़कों पर जल भराव को देखते हुए आज पुणे में सभी स्कूल और कॉलेजों की छुट्टी का ऐलान किया गया है। मानेसर लैंडस्केप मामले में आज पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। आपको बता दें कि मामले में पूर्व आरोपी सीएम हुड्डा और दूसरे आरोपी कोर्ट में पेश हो गए हैं। आज की सुनवाई के दौरान लगाए गए आरोपों पर बहस शुरू हो चुकी है। इस मामले में पूर्व सीएम हुड्डा के अलावा एमएल तायल, छतर सिंह, एसएस ढिल्लो, पूर्व डीटीपी जसवंत सिंह, कई बिल्डरों के खिलाफ चार्जशीट में उनका नाम सामने आया है। मानेसर जमीन घोटाले को लेकर सीबीआई ने हुड्डा सहित 34 के खिलाफ 17 सितंबर 2015 को मामला दर्ज किया था। मामले में आरोप है कि अगस्त 2014 में निजी बिल्डरों ने हरियाणा सरकार के अज्ञात जनसेवकों के साथ मिली भगत कर गुरुग्राम जिले में मानेसर, नौरंगपुर और लखनोला गांव के किसानों और भूस्वामियों को अधिग्रहण का भय दिखाकर उनकी करीब 400 एकड़ जमीन उन्हें पुणे दाम पर खरीद ली थी। फरीदाबाद की डबुआ सब्जी मंडी में फड़ वितरित घोटाले में सीएम विंडो पर सब्जी विक्रेताओं ने मंडी अधिकारियों के खिलाफ मनमानी की शिकायत की, लेकिन सीएम विंडो पर सब्जी विक्रेताओं की एक ना सुनी गई बल्कि सब्जी विक्रेताओं पर ही अवैध वसूली करता बताकर मामले को बंद कर दिया गया। बता दें कि पहले डबुआ सब्जी मंडी में फड़ वितरित के लिए 5,000 की पर्ची काटी जाती थी जो कि सरकारी रेट है, लेकिन वही पर्ची मंडी अधिकारी 6,000 में काट रहे हैं। सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि सरकार ने केवल 539 फड़ वितरित करने के आदेश दिए थे, लेकिन 600 से ज्यादा फड़ों की पर्ची मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने काट दी है। गन्नौर के गांव दातोरे में अवैध शराब को लेकर आबकारी एवं कराधान विभाग की टीम ने पुलिस के साथ 3 जगह छापेमारी की, जहां से पुलिस ने करीब 274 बोतल देसी शराब बरामद की। और इतना ही नहीं, गांव के कुछ बदमाशों ने छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला भी कर दिया। मौके से फरार भी हो गए जिसमें एक सिपाही घायल हो गया। और वहीं पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। बिलासपुर क्राइम टीम ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। क्राइम टीम को सूचना मिली थी कि 2 नशा तस्कर राजस्थान से काफी मात्रा में अफीम लेकर आए हैं जो फिलहाल कस्बा के इंडरी मोड़ के नजदीक खड़े हैं। इसी सूचना के आधार पर टीम ने छापेमारी कर दोनों नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और आरोपियों के पास से 2 किलो अफीम भी बरामद की। इनमें से एक आरोपी सोहना का रहने वाला और दूसरा आरोपी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले का रहने वाला है, जो काफी समय से नशा सप्लाई करने का काम करते थे और जिनकी पुलिस को काफी वक्त से तलाश भी थी। फिलहाल सोहना सिटी थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, जांच शुरू कर दी है और दोनों आरोपियों को रिमांड पर भी लिया गया है।
हरियाणा हो या फिर देश का कोई भी हिस्सा, सरकारी काम एक तय प्रक्रिया से ही होता है, पहले टेंडर होता है या फिर काम किया जाता है, लेकिन एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। भादोगढ़ नगर परिषद में तो उल्टी गंगा बहाई जा रही, यहां पहले काम हो गया और फिर उसका टेंडर निकालते हैं। घोटाले का ये मसला लाइन पर वार्ड 4 पार्क का है। इस पार्क में ओपन जिम, फुटपाथ और हाई मास्ट लाइट लग चुकी है, लेकिन ई टेंडर के हिसाब से पार्कों का ये काम अब करीब 80 लाख रुपए से होना है। यानी काम का नाम और सरकारी खाते से पैसे का काम तमाम, ये नीति अपनाकर अधिकारी चांदी कूटने का काम कर रहे हैं। करीना के रसूलपुर गांव में दीपक हत्याकांड के मुख्य आरोपी राजू को पुलिस ने दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अब आरोपी के 2 दिन की रिमांड मांगी है, लेकिन कोर्ट ने आरोपी की 1 दिन की रिमांड कबूल की है। जानकारी दे दे कि आरोपी राजू और उसके 2 साथियों प्रवीण और विनोद ने 10 दिन पहले दीपक की हत्या की थी। तीनों युवकों ने शव को गाड़ी में डालकर नांगलमाला की झाड़ियों में फेंक दिया था, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी आज ही हुई। तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। प्रदेश में हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, बदमाश आए दिन हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला सोनीपत के गांव भटगांव से सामने आया है, जहां बदमाशों ने कार सवार 2 महिलाओं पर गोली चला दी, जिसमें 1 महिला और 5 महीने के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। और जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि सुबह करीब 6:30 बजे बहादुरगढ़ की रहने वाली 2 महिलाएं, एक छोटा बच्चा और एक शख्स कार में सवार होकर करनाल जेल के लिए निकले थे। जैसे ही भटगांव के पास पहुंचे, अज्ञात हमलावर ने दोनों महिलाओं पर गोलियां दाग दी और वहां से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि हमलावर दिल्ली नंबर की गाड़ी में सवार थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। टोहाना के नागरिक अस्पताल में गर्भवती महिला के मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। डॉक्टरों ने महिला के परिजनों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए हड़ताल शुरू कर दी। डॉक्टरों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। बता दें कि बीते दिन अस्पताल में गर्भवती महिला के इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल किया और परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ मामला भी दर्ज किया। चंडीगढ़ रोड स्थित जगन्नाथ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल में पानी के मिलावट के आरोप लगाए हैं। पेट्रोल डलवाने वाले बाइक सवार ने इस बात को लेकर जमकर बवाल किया, जिस कारण पेट्रोल पर तमाशबीनों की भीड़ जुट गई। और इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर हंगामे को शांत कराया। इस दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी को मौके पर बुलाकर लिखित शिकायत भी दर्ज कराई और संबंधित विभाग के अधिकारी लेखराज ने पेट्रोल के सैंपल लेकर जांच के आदेश भेज दिया। आगामी कार्रवाई की रिपोर्ट आने के बाद अब जो आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी। इस दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी लेखराज ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि चंडीगढ़ रोड स्थित जगन्नाथ पेट्रोल पंप पर बाइक सवार युवकों ने पेट्रोल में पानी की मिलावट होने के आरोप लगाए हैं और उनसे शिकायत ले ली गई है और पेट्रोल के सैंपल लेकर जांच के लिए भी भेज दिए गए। रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।
और इसके अलावा शिकायतकर्ता राकेश कुमार और विक्रम सिंह ने बताया कि वो जगन्नाथ पेट्रोल पंप से 100 का तेल डलवाने आए थे और तेल डलवाने के बाद उनकी बाइक स्टार्ट नहीं हुई, जिसके बाद वो बाइक को मिस्त्री के पास लेकर गए और जब टंकी से पेट्रोल निकाला गया तो उसमें भारी मात्रा में पानी पाया गया और जिसकी शिकायत लेकर वो पेट्रोल पंप मालिक के पास गया तो उसे ही दोषी करार देने पर उतारू हो गया। उन्होंने कहा कि ये सरेआम पेट्रोल में मिलावट का धंधा है जिसकी शिकायत अधिकारियों को दर्ज करवा दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में अमेरिका के कारोबारियों से मुलाकात की। पीएम मोदी और टॉप 42 कंपनियों के 42 सीईओ के बीच करीब 2 घंटे तक मुलाकात चली। इस दौरान पीएम ने अमेरिकी कारोबारियों को देश में निवेश के लिए आमंत्रित किया और कहा कि उनकी तकनीक और भारत की प्रतिभा मिलकर दुनिया को बदल सकते हैं और वैश्विक आर्थिक विकास को गति भी दे सकते हैं। पीएम मोदी ने भारत को निवेशकों के लिए एक आदर्श के रूप में पेश करते हुए कहा कि उनके लिए भारत में एक सुनहरा अवसर है। पिछले हफ्ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का बड़ा ऐलान किया, जिसके बाद लगा कि स्थिति बदल जाएगी, लेकिन 2 दिन बाद भी फिर से शेयर बाजार पस्त हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने की खबर और जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों का असर भारतीय शेयर बाजार पर देखने को भी मिला। कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के ऐलान के बाद 2 दिन तक शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली, लेकिन तीसरे दिन भी पहले की तरह बाजार में दबाव आ गया। सेंसेक्स में 500 अंक से ज्यादा की गिरावट आई, जबकि निफ्टी 148 अंक पर लुढ़क गई। इस हाहाकार की वजह से निवेशकों को 1.84 लाख करोड़ भी डूब गए। तो फिलहाल सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।